ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा। इसके साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं, तो चलिए जानते हैं अंक शास्त्र से कि आज का दिन आपके लिए कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक एक, आज का दिन मिले जुले परिणाम लेकर आया है। नौकरी की तलाश कर रहे व्यक्तियों को अच्छी नौकरी भी मिल सकती है और नौकरी करने वाले व्यक्तियों को कार्य क्षेत्र में कुछ नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। महा उपाय करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। मूलांक दो के जातक, आज संतान के विवाह में आ रही जो बाधा है वह दूर करने की कोशिश आप करेंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे। किसी बाहरी व्यक्ति के साथ चल रहा विवाद आपकी बातों को घर में साझा न करें, अन्यथा घर का माहौल बिगड़ सकता है। बल्कि उपाय करना है, शिवलिंग पर प्रत्येक सोमवार को पंचामृत अर्पित करें। मूलांक तीन, कार्य क्षेत्र में अपने अच्छे निर्णय लेने की क्षमता से लाभ प्राप्त करेंगे। कारोबार में कुछ नए विरोधी उत्पन्न होंगे जिनको अपनी बुद्धि और चतुराई से हराने में कामयाबी तो मिलेगी। अचल संपत्ति खरीद रहे हैं तो दस्तावेजों का ध्यान से अध्ययन करें। उपाय करें, विष्णु सहस्रनामम का पाठ करें। मूलांक चार के जातक, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर घर के बड़ों की सलाह को अनसुना करना नुकसानदेह हो सकता है। खानपान में तेज मसालों का इस्तेमाल करने से एक कारण पेट संबंधित किसी समस्या का सामना भी करना होगा। उपाय करना है, बिजली का कोई खराब उपकरण घर में ना रखें। मूलांक पांच, कार्य क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी और किसी को दिया हुआ पैसा आज होगा वापस, जिससे आर्थिक स्थिति में होगा सुधार। उपाय भी करें, घर में चौड़े पत्ते वाले पौधे ना रखें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक छह, तो आज का दिन खुशनुमा रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ पिकनिक पर जाने की योजना बना रहे हैं तो जीवन साथी से मनोवांछित उपहार मिलने की भी संभावना रखिए। दाम्पत्य जीवन होगा सुखद। उपाय करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। मूलांक सात के जातक, कार्य क्षेत्र में अधिकारियों के साथ कुछ अनबन होने के आसार हैं। व्यापार में कोई नया निवेश करने से बचना है। अविवाहित व्यक्तियों के लिए तो विवाह का कोई अच्छा प्रस्ताव भी आएगा। संतान को किसी परेशानी से बाहर निकालने में मार्गदर्शन मिलेगा। उपाय करें, बच्चों को खट्टी मीठी टॉफी खाने को दें। मूलांक आठ, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को आज मिल सकती है सफलता। व्यापार में कोई अटकी डील जो है वो आज फाइनल होने से मन होगा प्रसन्न। रिश्तेदार के घर किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने का मौका मिलेगा। उपाय करें, शमी के पौधे की सेवा करें। मूलांक नौ, अनजान जो व्यक्तियों पर ज्यादा भरोसा करना आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। व्यापारियों को आज के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। बनते कामों में रुकावटें आने से मन होगा परेशान, परंतु मित्रों की मदद से सभी परिस्थितियों से बाहर निकलने में मिलेगी सफलता। उपाय भी करें, लाल चंदन का तिलक लगाएं।